हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रीव्स कंपनी का जो इंजन आता है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जो खेत में चलते टाइम थोड़ा सा गर्मी पकड़ लेता है तो साइलेंसर में धुआं निकाल कर चिक 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 ऐसा साउंड होकर इंजन बंद हो जाता है। तो उस टाइम हम क्या करें और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ए बोल्ट, एक ए वाला बोल्ट, दो बोल्ट हमें खोलना है जिसमें 13 नंबर का पाना लगेगा। और कोई इंजन भी एलेंकी बोल्ट भी आता है तो एलेंकी बोल्ट है तो उसमें 6 mm का पाना लगेगा। तो सबसे पहले इसमें हमारे हेक्स बोल्ट है तो इसमें 13 नंबर का पाना लगा के हम इसको खोलते हैं। इसको धीरे से लेना है और उसमें पैकिंग आता है, उठेगा वो टूटे ना, वो ध्यान रखना है। और इसको साइड में रख देना कहीं। और हमें अब क्या करना है कि एक साइलेंसर का टेपेट होता है, दूसरा होता है वो एयर का होता है। तो हमें क्या करना है, जो साइलेंसर साइड का टेपेट है, साइलेंसर साइड का, उसी में से एक सील आता है वो निकल देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको ऐसे दबा के, इसके दबा के इसके अंदर जो पुश रोड होता है उसको साइड में ले लेना है। पुश रोड हो उसको साइड में लेना है तो उससे क्या होता है कि ये टेपेट होता है ऐसे ऐसे हो जाएगा। और टेपेट होने के बाद हमें इसको ऐसे दबाना है, ऐसे दबा के ये जो साइड की पुली है जहाँ हमें रस्सी लगा कर स्टार्ट करते हैं उसको घुमाना है, घुमाकर पिस्टन ऊपर आ जाए और इसको वाल को टच हो जाए उधर तक, उसको सेटिंग करके उधर ही रखना है ताकि अंदर के जो इस स्प्रिंग को निकाले तो अंदर ना चला जाए। इसलिए वो हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अंदर ये वाल अंदर चला गया तो हमें पूरा इंजन खोलना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। इसलिए वो मेन मुद्दा है, उसको हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है कि ये स्प्रिंग को निकाल देना है, इधर से स्प्रिंग को निकाल के इसमें दो लॉक है और लॉक निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है और कपड़ा लेने के बाद इसमें ऐसे डाल देना है ऐसे, ताकि इसमें से जो भी कुछ खुले, छोटा सा स्पेयर पार्ट कुछ भी, तो इंजन के अंदर ना चला जाए। अगर इंजन के अंदर चला गया तो हमें इंजन को खोलना पड़ेगा, इसलिए कपड़ा लेके इसको ऐसे बंद कर देना है। और बाद में आपके पास कोई छोटा पाइप है या फिर ऐसा कोई बेंड वाला पट्टी है, बेंड किया हुआ, तो ऐसा कुछ ले लेना है और इसके ऊपर रख कर इसको ऐसे मारना है। इसे मारोगे तो इसका एक लॉक ये वाला, एक लॉक ये वाला, दो छोटे छोटे लॉक है इसके, वो निकल जाएंगे। और इसको सही जगह पर छोड़ना है। बाद में क्या करना है कि ये स्प्रिंग है जो इसमें स्प्रिंग ये वाला, ये इतना निकलेगा, ये सब अपनों को सही जगह पर छोड़ना है। और इसके अंदर जो ये रबर वाला, जो इस रबर का सील है, वो सील को हमें निकाल देना है इधर से, इसमें से सील निकल जाएगा तो जो आपका जो प्रॉब्लम है इंजन बंद होने का, धुआं निकाल कर वो बंद हो जाएगा। कर दे, तो इस रबर सील को निकालने के लिए इसको ऐसे डिश में डालकर ऐसे मारेंगे तो ये रबर सील निकल जाएगा। देखो ये रबर का सील है, ये छोटा सा एकदम सील आता है। तो क्या होता है कि जब इंजन गर्म होता है तो ये सील है इस वाल को
पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो एकदम वो चिपक जाता है, चिपकने के कारण वो एक जो स्वाल्ट है वाल है उसमें से धुआं निकल जाता है। करते बाद तो फ्रेंड्स हमने ये रबर सील निकल दिया है, अब इसकी फिटिंग की है। जो इसमें एक स्प्रिंग आएगी, सबसे पहले स्प्रिंग को रख देना है, उसके बाद ये वाला इसका जो है उसको रख देना है, और एक कपड़े को रख कर ऐसे कर देना है ताकि लॉक और कुछ भी अंदर ना चला जाए। ये हो गया। बाद में मेरे पास ये लॉक है इसलिए मैं इसको ये लॉक फिट करके इसको दबा दूंगा। अगर आपके पास लॉक नहीं है तो कोई दूसरा बंदा लेकर इसको ऐसे दो डिसमिस से दबा लेंगे, ऐसे ऐसे दो डिसमिस से दबा देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास फिलहाल एक लॉक है। लॉक को फिट करके हम इसको स्प्रिंग को दबाएंगे। ये दबने के बाद जो दो लॉक है इसके छोटे छोटे उसको इसके बीच में रख देना है, अंदर धीरे से रखना है ताकि नीचे गिर ना जाए दोनों साइड। चलो ये दोनों लोग आ गए। इसको और दबाना पड़ेगा। चलो ये दोनों लोग है वो इसके अंदर वाल के अंदर बैठ गए, फिर इसको खोल देना है। अगर आपके पास ये ऐसा लॉक नहीं है तो दो लोग मिलकर भी इसको कर सकते हैं। इसको एक लोग एक इंसान इसको दबाएगा, एक बंदा इसको दबाएगा और दूसरा बंदा इसको अंदर लॉक बिठाएगा, तो ये वाला ऐसे भी बैठ सकता है। इस कपड़े को ले लेना है और अभी जो पुली है पुली को घुमाना है ताकि हमें इस रोड को इसके अंदर नीचे लगा सके। इसको ऐसे करेंगे ऐसे तो नीचे पिस्टन के साथ टच हो जाएगा, तो पुली को हमें ऐसे घुमाना है ताकि ये अंदर की ओर चला जाए। फिर हमें जो अंदर का रोड हमने निकाला था वो तो कंप्लीट इसके नीचे आ जाना चाहिए। चलो आ गया, ठीक है। फिर हमें चेक करना है कि इसमें ये वाला कंप्लीट है ना, चल नहीं रहा ना। तो फ्रेंड्स ये था इसका सॉल्यूशन, जो इसमें ग्रूज इंजन में कभी कभी कोई कोई इंजन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कोई गैरेज वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो टेपेट है, कभी कभी इंजन गर्म होने का कारण टेपेट भी होता है, तो ये टेपेट को जो इसमें प्ले होता है वो प्ले को कैसे सेटिंग करते हैं, कितना प्ले होना चाहिए और कैसे इसको सेटिंग करते हैं वो अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें वो वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।